अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू होम कुकिंग विद नौशीन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और जायके से भरी हुई रेसिपी, जो कि आप ईद उल अधा के मौके पर बना सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बॉल में हमें मटन को मैरिनेट कर लेना है। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो के करीब मटन। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप दही। हमने काजू और बादाम को ड्राई रोस्ट कर लिया है और 3 कटी प्याज को फ्राई कर लिया है। अब इनको पानी की मदद से हम पीस लेंगे और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, टेस्ट के हिसाब से हम ज़्यादा या कम लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 पिंच के करीब, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और बहुत सारी कोथमीर। जो हमने ब्राउन प्याज और काजू बादाम का पेस्ट बनाया था वो भी हमने इसमें ऐड कर लिया है और इस मटन को मैरिनेट करके हम 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काले मिर्च और थोड़ा सा शाहजीरा इसमें ऐड करेंगे और इसे क्रैकल होने तक पका लेंगे। अब जो मैरिनेट किया हुआ मटन हमने रखा था तो इसमें वो डाल देंगे और लगातार चलाते हुए हमें इसे 10 से 15 मिनट तक भून लेना है। याद रहे कि हम इसे प्रेशर कुक नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 30 से 45 मिनट मटन को गलने तक पकाएंगे, ताकि मटन जो है वो दम में ही तैयार हो, प्रेशर बिल्कुल भी हमें इसमें लगाना नहीं है। तो अगर मटन के गलने के लिए आप इसमें कच्चा पपीता डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। तो यहाँ पर हो चुके हैं 40 मिनट और हमारा मटन बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है और आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, चावल, नान, पराठे के साथ। तो देख सकते हैं आप, इतना अच्छा इसमें कलर आ चुका है और बहुत ही अच्छा सा तेल भी सरफेस पर आ चुका है। और धनिया के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं आप चाहे तो इसे कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।